अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपनी जो विंटर कलेक्शन है वो शेयर करूंगी कि मैंने सर्दियों के जो ड्रेस हैं वो किस तरह के बनवाए हैं और मैंने उनको किस तरह से डिज़ाइन करवाया है। आप लोगों को भी इससे जो मज़े मज़े के आइडिया मिल सकते हैं कि आप लोगों ने अगर जो कोई जॉब वगैरह करती हैं मेरी तरह, तो उनको भी ड्रेस किस तरह से जो है वो अपने डिज़ाइन करवाने चाहिए। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला ड्रेस जो है वो मेरा ये वाला है मस्टर्ड कलर में। इसको इसका गला जो है वो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करवाया है। ये मैंने जो होती है सीडी लेस उसको लेके, तो उसके अंदर से मैंने जो है वो गोल वाली डोरी जो है वो गुजारी हुई है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो बन गया है। जो वीडियो में कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, वैसे ये मस्टर्ड कलर है मेरे ड्रेस का। तो इसकी जो फुल लुक है वो कुछ इस तरह की है इस ड्रेस की, और इसकी जो बॉर्डर है वो भी मैंने अटैच करवाते हुए वही वाला डिज़ाइन जो मैंने गले पे बनवाया है वैसे ही बनवाया है। सीडी लेस लगा के थोड़ी चौड़ी वाली सीडी लेस लगाई है, छोटे वाले भी लगा सकते हैं इसमें। तो बीच में से डोरी जो है वो उसको गुजारा हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो एक डिज़ाइन है वो बन गया है। तो इस तरह से आप लोग भी बनवा सकते हैं, बहुत ही एक यूनिक सा आइडिया है। अब वो जो तरीका पहले होता था ना कि सिंपल जो बॉर्डर को अटैच कर लेते थे, अब वो वाला नहीं तरीका रह गया। अब जो इस तरह से कुछ डिफरेंट करके या तो सीडी लेस लगा ली जाती है, या ये एक यूनिक तरीका मुझे भाभी ने बताया था, तो मैंने ऐसे इसको जो है वो बनवाया है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। मुझे बर्थडे पे अम्मी लोगों ने ही गिफ्ट में दिया था, स्टिच भी उन्होंने ही करवा के दिया था मुझे। तो ये बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ हुआ है। सबसे मज़े की जो है वो इसकी बैक साइड है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बैक साइड जो है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी। इसका कलर भी बहुत यूनिक सा है, और वैसे भी मुझे इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत प्यारी लगी थी। ये देखिए, इसकी बैक साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्रंट हो ना, ये इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। फ्रंट जो है वो थोड़ा सिंपल सा है, सिर्फ गला है और जो उसके बॉर्डर है, लेकिन बैक साइड पर फुली इस तरह से प्रिंटेड है। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस जो है वो बना हुआ है। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ कि उसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन करवाया है। ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र को मैंने सेम उसी तरह ही सीडी लेस लगवा के उसके दरमियान में से जो डोरी है वो गुजारी हुई है, और इसी तरह बीच में थोड़ा गैप करके फिर उसी तरह, और बीच में ये प्लेट्स डाली हुई हैं, बारीक वाली टेढ़ी प्लेट्स डाली हुई हैं, और इसी तरह नीचे जो है वो डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया बन गया है। अगर आप लोग भी ऐसा बनवाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो बाकी ये बहुत ही प्यारा सा जो एक डिज़ाइन जो है वो बन गया है। तो अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। ये है इसका दुपट्टा। इस ड्रेस जो है इसकी सबसे जो ख़ास बात है वो इसका दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा ये इसका दुपट्टा बना हुआ है, बहुत ही फ्लोरी सा है, और पहना हुआ ये बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल डिफरेंट कलर है, इसमें ब्लैक ज़्यादा है, बल्कि क्योंकि ड्रेस जो है वो मस्टर्ड कलर में है, लेकिन इसका जो दुपट्टा है वो ब्लैक में ज़्यादा है। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बना हुआ है। तो इसकी जो मैंने पीको है वो कुछ इस तरह की करवाई हुई है। अब चलते हैं ड्रेस नंबर टू की तरफ। ये जो है मैंने स्टिच शर्ट ली थी, लेकिन इसका बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। इसका जो इस तरह से है ये मैंने आइडिया से ली थी भाई गुल्ला अहमद से, तो मुझे स्मॉल साइज़ आता है, तो ये स्मॉल साइज़ है इसका। ये इस तरह बैन वाला गला है, जो बैन फुल जो है वो नीचे गले तक आती है, लेकिन इसमें ये एक प्यारा सा कटाऊ बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरह से इसका जो है वो गला बना हुआ है ये, और ये प्यारे से जो है इसके ऊपर मोतियों से फ्लावर उन्होंने बनाए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग है इसकी, ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी फुल लुक जो है वो कुछ इस तरह से है इसके गले की। अगर आप भी ऐसा बनवाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्लीव्स इसकी जो है वो इस तरह से हैं, बहुत ही प्यारा था ये। मुझे ऑफ में मैंने लिया था ये वाला, ये शर्ट जो है मैंने सिंपल ये शर्ट ली थी, इसके साथ ट्राउज़र और जो दुपट्टा है वो मैंने बाद में खुद मैच किया था। तो ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया था। जब ऑफ लगा हुआ था ना, अभी भी ऑफ वैसे चल रहा है, पहले भी ऑफ लगा हुआ था मैंने, तब लिया था, तो तब मुझे ये 1800-1900 की शर्ट पड़ी थी स्टिच, बल्कि पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो हुई हुई थी इसकी। इसके साथ ट्राउज़र जो है वो मैंने ये वाली मैच की हुई है, प्लेन ये ट्राउज़र है, मैंने स्टिची ट्राउज़र लिया था, ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल, मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मस्टर्ड कलर का है ये। इसके साथ ये बहुत ही प्यारा उठता है, वाइट है ना जो शर्ट है उसमें ज़्यादा वाइट है, उसकी बेस जो है वाइट है, और उसके साथ ये मस्टर्ड कलर का जो ट्राउज़र है ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ जो मैंने स्ट्रॉलर मैच किया है वो भी मैंने मस्टर्ड कलर में ही मैच किया है, दिखाती हूँ मैं आपको भी वो भी। ये इसके साथ मैंने प्यारा सा स्ट्रॉलर जो है वो मैच कर लिया था। सर्दियों में वैसे तो ज़्यादा शॉल ही पहनी जाती है, लेकिन मैंने जो है इसके साथ ये मैच कर लिया था ताकि कभी अगर पहनना पड़े तो मैं पहन सकती हूँ इसके साथ।
तो ये बहुत ही प्यारी सी बॉर्डर एक बनी हुई है, डिज़ाइनिंग में ही बना हुआ है, ये बीच में ही डिज़ाइनिंग है, ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो चलें अब चलते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। ये जी है मेरा थर्ड ड्रेस, ये भी मैंने गुल अहमद से लिया था, लेकिन ये मैंने अनस्टिच लिया था और स्टिच मैंने खुद करवाया है। इसका मैंने ये बैन वाला गला बनवाया है और इस तरह से एक कट रखवा के पाइपिंग करवा के, तो इसके अंदर ये जो मैंने प्यारे से बीट्स है ना ये लगवाए हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद आए थे। अब बटन्स का इतना रिवाज नहीं रह गया है तो इस तरह के बीट्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं, तो ये इस तरह से गला जो है वो कुछ दिखता है। बाकी ये इसका जो है वो स्लीव्स इसकी कुछ इस तरह से हैं, सिंपली मैंने बनवाई हैं क्योंकि मुझे डेली वेयर करने होते हैं, मैंने स्कूल जाना होता है, तो स्कूल में जो है वो सिंपल थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी लगती है, सिंपल भी हो थोड़ी फैंसी सी भी हो। और ये इसका दामन है इस तरह से कुछ, और बाकी मैंने सब ड्रेस पे ही इस तरह से जो है, ये फैशन पट्टी भी इसको कहते हैं, पलटा भी कहते हैं, तो इससे जो है ना स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। ये मैं सब जो है वो ड्रेसेस की इस तरह ही लगवाती हूँ, चॉक्स पे भी इस तरह ही लगवा लेती हूँ अगर लेस वगैरह ना लगवानी हो, और जो है वो नीचे दामन पे भी इसी तरह मैं लगवा लेती हूँ। और ये इसकी जो है फुल लुक, दामन इसका बहुत ही प्यारा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मुझे पहना हुआ इतना अच्छा लगा था ना, ये मैंने अपनी बर्थडे पे पहना था, मुझे बहुत पसंद आया था तब, ये मुझे लग रहा था मेरे मुझे अपनी नज़र खुद ही लग जाएगी, बहुत प्यारा ये ड्रेस है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है इसका। तो चलिए इसके ट्राउज़र देखते हैं। ये है जी इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका सिंपल इस तरह से स्टिच करवाया है, कैपरी मैंने स्टिच करवाई है, इस पर मैंने जो है वो कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाई, इस तरह से सिंपली मैंने इसको स्टिच करवाया है। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा जो है वो भी बहुत ही प्यारा सा है, ये डार्क ग्रे कलर है, जो ब्लैक ग्रे कलर होता है ना वो वाला, और इसके जो है मैंने पल्लुओं पे इस तरह से जो है वो लेस लगवाई है, बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी, जिस तरह इसके अंदर प्रिंटिंग हुई थी ना उसी तरह का मैंने छोटी छोटी सी जो है वो लेस लगवाई है। सबको मैंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ही डिज़ाइन किया है, एक जैसा नहीं कि सब पे लेस लगवा लो या सब पे पीको करवा लो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब पे करवाया है। तो ये इसका दुपट्टा है, ये इसके पल्लू हैं दुपट्टे के इस तरह से बहुत ही प्यारे से। ये जी है मेरा ड्रेस नंबर 4, ये मेरा सफ़ायर का है, जब पिछले दिनों ऑफ लगा हुआ था सफ़ायर पे मैंने ये तब लिया था, ये इसके गले की एक पैच थी जो मैंने बाद में खुद जो है इसके ऊपर अटैच करवाई है, और इसके ऊपर ये वाले जो है वो शीशे से ये दर्जन ने खुद ही लेके लगवाए थे, मैंने उसे बता दिया था कि इस तरह के आपने लगवाने हैं, तो ये उसने खुद ही लगवा दिए थे। तो ये इसका गला है, गले पे ये पैच लगा हुआ था, लंबा पैच है, ये अच्छा लगता है। शर्ट थोड़ी सी शॉर्ट मैंने रखवाई है क्योंकि इसके साथ जो ट्राउज़र है वो थोड़ा खुला मैंने रखवाया हुआ है, तो ये इसके बाजू हैं इस तरह से बहुत ही प्यारे से, और ये इसकी जो है वो दामन जो है वो इसका कुछ इस तरह से है, इसका प्रिंट ही इस तरह का बहुत ही प्यारा सा है ना, ऐसे लगता है जैसे नीचे ना कटाव जो बने होते हैं वो बने हुए हों, इस पर भी इस तरह का मैंने पलटा लगवाया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है ना। अब फोल्ड करने वाला तो रिवाज जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है। ये इसकी है फुल लुक, अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र भी इसका जो है वो प्रिंटेड में ही है, तो इसलिए मैंने इसके सिंपल, मैंने इसको बेल बॉटम सिलवाया है और सिंपल मैंने इसके जो पांचों पे ये जो लेस है वो लगवा दी है, थोड़ी सी चौड़ी लेस है। शर्ट मैंने थोड़ी सी शॉर्ट रखवाई है, और क्योंकि शॉर्ट शर्ट के साथ ही जो बेल बॉटम है वो अच्छा लगता है, तो इस तरह से मैंने ये ट्राउज़र अपना स्टिच करवाया हुआ है। फुल लुक जो है वो इस तरह की है इसकी। चलें अब इसका मैं आपको जो है वो दुपट्टा दिखाती हूँ। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी इसका बहुत ही प्यारा सा है, ये सफ़ायर की कलेक्शन में ये मुझे ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, और मुझे मिल भी रीज़नेबली गया था क्योंकि ऑफ़ लगा हुआ था, अभी पिछले दिनों भी इनका फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था। इसके जो मैंने चारों तरफ ये इस तरह की मैंने डोरी लगवाई है, ये बहुत ही प्यारी लगती है, अभी सही से फोकस नहीं हो रहा, बहुत ही प्यारी सी है ये। ये जी है ड्रेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इसका गला जो है वो मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया हुआ है, लेस लगवा के फुल जो है वो बैन वाला गला है, जो एंड तक बैन आती है ना गले के आगे तक, ये इस तरह से। बहुत ही प्यारा इसका गला जो है वो बना हुआ है। ये है इसकी स्लीव्स,
ये ड्रेस जो है ये भी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट में मिला है। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी बहनों जैसी फ्रेंड है, वो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो इस ड्रेस की फुल लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। ये हालांकि जो है वो प्रिंट है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हो। बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है, प्रिंटिंग में ही ये इस तरह का है। ये इसकी फुल लुक है। इसके भी ऐसे ही मैंने जो है वो पलटा लगवाया हुआ है। बाकी इसकी डिजाइनिंग इतनी प्यारी थी कि लेस वगैरह लगवाने की मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। इस तरह से ये इसकी फुल लुक है इस ड्रेस की। ये है इसका ट्राउजर। ट्राउज़र जो है वो मैंने ऊपर से सिंपल ही रखवाया है, और पांचों पे मैंने ये एक सीढ़ी लेस लगवा के तो ये नीचे कटाओं का जो डिज़ाइन है वो बनवाया है। इसका जो पोस्टर था ना उस पर इसी तरह बने हुए थे, तो मैंने कहा इसी तरह दर्जन से मैंने कहा कि इसी तरह बना दे। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है इसका जो ये पांचों का डिज़ाइन है। तो ये इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन करवाया है। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका दुपट्टा। ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है। इस ड्रेस का प्रिंट बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक यू फ्रेंड। ये इसके मैंने पल्लुओं पे जो है वो इस तरह से पीको करवाई हुई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे विंटर के ड्रेसेस मैंने किस तरह से डिज़ाइन करवाए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।